मैं डॉक्टर उदय बेनीवाल सी के बिड़ला हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी हूँ। मैं कॉन्टिनेंस वीक के बारे में बताना चाहूँगा। 17 से 23 जून तक ये ऑल ओवर वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक मनाया जाता है। इसमें मेनली मैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। इसमें मेनली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें यूरिन की इच्छा होने पर तुरंत यूरिन के लिए बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स में यूरिन लीक की भी समस्या हो जाती है, जैसे इच्छा हुई वो बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं और यूरिन लीक हो जाता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम भी हो जाती है, पेशेंट्स इसकी वजह से बाहर सोशल गैदरिंग्स में या आउटिंग्स में नहीं जा पाते। सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस होना जरूरी है कि पेशेंट जिसको एज रिलेटेड चेंजेस ले लेते हैं कि ये एज की वजह से है और ये सामान्य सभी में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और इसका इलाज भी संभव है। इनिशियल स्टेज में हम लोग पेशेंट्स को कुछ दिनचर्या में बदलाव करने के सुझाव देते हैं। कुछ पेरिनल एक्सरसाइजेज होती हैं वो बताते हैं, उनकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और उनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक लगभग 60% पेशेंट्स में नॉर्मल हो जाते हैं और वो नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। तो कुछ पेशेंट जिनको एक्सरसाइज और दिनचर्या में बदलाव से फ़ायदा नहीं होता, उनके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकती हैं, उनको हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। उनको सेवन से पेशेंट्स के सिम्टम्स 80-90% तक ठीक हो जाते हैं और जो अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस की समस्या है वो नॉर्मल हो जाती है। 90% मरीजों में ऑपरेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती और एक्टिव ब्लैडर के लिए वो फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइजेज, दिनचर्या में बदलाव और मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इन सब के बावजूद भी ठीक नहीं होते, उनके लिए हम दूरबीन से ऑपरेशन करके इंजेक्शन आते हैं, जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन है वो ब्लैडर में देते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं।